ये तू बोल, चार्ज बोल अपना। तेरी तो औकात वो है कि तेरे मुंह पे पैसा मांगू। फ्रेंडशिप विद बेनिफिट। वी जस्ट फ्रेंड्स यार, बट इट्स वेरी हर्ट इट। ओके, जय बाबू की दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। स्कूल टाइम पे एक मेरा फ्रेंड था जो कि मतलब मुझे काफ़ी पसंद करता था, लेकिन वो ना बहुत ड्रग्स लेता था और नशा बहुत ज़्यादा करता था। मतलब अच्छी संगत नहीं थी उसकी। मैंने काफ़ी उससे बात की कि देख ये सब मत किया कर, ये सब अच्छी आदतें नहीं हैं, तू ये सब क्यों करता है। बट वो मुझे पसंद भी बहुत करता था। उसने एक दो बार मुझे प्रपोज़ भी किया था, लेकिन मैंने मना कर दिया था। तो अभी दो चार दिन पहले ही मतलब उसका इंस्टाग्राम पे कॉल, किसी का कॉल आ जा रहा था, मैसेज भी नहीं, कॉल्स आए जा रहे थे इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने रिसीव किया, फिर कहता है कि मैं रुद्र बोल रहा हूँ। मैंने कौन रुद्र? तो है ना, भूल गई क्या, स्कूल टाइम का फ्रेंड हूँ मैं तेरा। तो मैंने कहा हाँ भूल, कैसे याद आ गई? कह रहा बस तू तो याद करती नहीं है, मैंने याद कर लिया। उसने बोला कि मुझसे तुझे मतलब मिलना है, तुझसे और बात करनी है। तो मैं कैमरा इसीलिए लगा रही हूँ क्योंकि देखो कोई भी अगर हमारे साथ ट्रेजेडी हो जाए या कुछ भी हो जाए तो हमारे पास सबूत रहता है, इसीलिए। बाकी और कुछ नहीं, वो आ रहा है तो मैं आई हूँ अभी यहाँ पे, तो आ रहा है तो बात करते हैं। वो प्रपोज़ तो मतलब उसने पहले किया था मुझे, जो कि मैंने मना कर दिया। और वो काफ़ी नशा करता था, इस वजह से मैं और ज़्यादा टेंशन में रहती थी। बट एक फ्रेंड था और कुछ नहीं। तो आता है तो बात करते हैं, जो भी होती है। तो कैमरा ऑन रहने देना जय, ठीक है? तो आ जाए तो कैमरा स्टार्ट कर लेना। A few moments later. और कैसी है? ठीक हूँ। आजा, क्या हो गया? कुछ नहीं। तो गले तो मिल ही सकती है ना? नहीं, हाई कर लिया। कमाल है यार, गले मिलने में क्या प्रॉब्लम है? हाई करने में क्या प्रॉब्लम है? यार हम पुराने दोस्त हैं, काफी टाइम साथ रहे हैं, तो हाँ। गले मिलने ये तो नॉर्मल चीज है यार। तेरे लिए नॉर्मल है, मेरे लिए थोड़ी ना है। इतनी प्रॉब्लम थी तो फिर तू पहली बता, तू इतना चेंज कैसे हो गया? तू तो बुरा मत माने, तू तो लाइक एक नशेड़ी टाइप था इंसान। वो एक दौर था, निकल गया, ठीक है? अभी देख, अभी वेल सेटल्ड हूँ, अच्छी नौकरी है, अच्छा पैसा है, सब कुछ है। बट मैं तो रुद्र ही है ना तू? तेरा आइडेंटिटी कार्ड गया, आइडेंटिटी कार्ड गया तेरा। कम ऑन यार। मतलब यार तू, तुझे याद है कि तू कितना नशा करता था, कितना मतलब ड्रग्स लेता था तू? मतलब एक्चुअली वो टाइम ही कुछ ऐसा था, देख सब लोग समझाते, तूने भी समझाया, बहुत समझाया मुझे। मैंने बहुत समझाया तुझे, बट तेरी समझ नहीं आई। बट एक टाइम आता है ना, देख हर किसी का दिन आता है। आज मेरा दिन आ गया तो और क्या, ये क्या है फिर? मतलब एक दो साल में तूने इतना चेंज कर लिया खुद को कि मतलब मैं तुझे सच में पहचान नहीं पा रही। जब आदमी को रियलाइज होता था ना कि वो गलत रास्ते पर जा रहा है, तो फिर समझ जाओ चीज़ें बदल जाती हैं। और कैसे याद किया तूने? इतनी कॉल्स कौन करता है जितनी तूने कॉल्स की थी? कौन यार, पता नहीं क्या तेरे को। अरे यार इतनी कॉल्स कौन करता है ये बता पहले मुझे कि हाँ चल, अगर इमरजेंसी होती तो मेरे समझ में आता कि ठीक है इमरजेंसी है और समझ में आता। मैं रुद्र बोल रहा हूँ, मैं कौन रुद्र? अच्छा भूल गई मैं, वही इमरजेंसी वाली बात नहीं थी। तुझे पता तो है ही ना यार, उस टाइम पे भी मैं कितना पागल था तेरे लिए। आज भी वही सीन है, सीरियसली बता रहा हूँ। अरे सीरियसली बता रहा हूँ मैं यार, शट अप, ठीक है ना, मजाक नहीं है। अरे क्यों इतने सारे कॉल? मैं देखा यार वीडियोस वगैरह, क्या भाई बगैर बंदी तो यार कहाँ निकल गई यार। तो दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि मैं कॉल करना चाहिए, मैसेज का तो रिप्लाई करती नहीं है। बड़े लोग नहीं, नहीं यार बहुत देखते हैं, बहुत मैसेजेस आते हैं, मैं तुझे दिखा दूँ। देख अरे वो मालूम है, बट काफी मैसेजेस आते हैं। और मेरे को इतना भूल गई, मेरा नाम तो लिख के आ रहा ना उस पे। अरे काफी रुद्र हो सकते हैं इस दुनिया में, एक सिंगल रुद्र तू ही थोड़ी ना है। प्रोफाइल चेक करनी चाहिए ना। हाँ उतना टाइम नहीं था मेरे। ओ वही एग्जैक्टली, बड़े लोग इतना टाइम नहीं था मेरे पास। चल छोड़ दे, वक्त बदल गया, मैं बदल गया हूँ, सब बदल गया है। अब तू आ जा मेरी जिंदगी में, आई स्टिल लव यू उतना ही जितना पहले करता था। सिर्फ दीवानों की तरह प्यार करता हूँ, अब तो आ जा यार। देख मैंने पहले भी मना किया था और मैं आज भी नहीं हाँ करूँगी, समझ में आ रहा है? दिल तोड़ रही है तो। मैंने पहले भी दिल तोड़ दिया था, देख मैंने तुझे पहले ही क्लियर कर दिया था कि नहीं यार हमारा तेरा मेल नहीं है। क्यों 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 नहीं है? क्या अब क्या दिक्कत है? पहले मैं था जो भी था, बट अब मैं ये हूँ और सब कुछ है मेरे पास। यार देख लोग समझते हैं कि ठीक है वक्त बदलता है, सारी चीजें बदलती हैं, लेकिन विश्वास कर मेरे ऊपर, ट्रस्ट कर, मैं तुझे हमेशा खुश रखूंगा।
मैं समझ रही हूँ तेरी बात को, बट नहीं समझ रही है। आज मैं देख, आज मेरा ये गलत हो जाएगा कि मैं तेरा स्टैंडर्ड देख के, लाइक इट मीन टू से मैं तेरा लुक देख के तुझ पे मैं फ्लैट हो गई, या मैंने तेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। इट्स नॉट अबाउट द लुक, क्या कह रही हो यार, क्योंकि तू पहले कैसा था और अब कैसा है। अगर तू आज हाँ उस चीज की बात कर रहा हूँ, हाँ उस चीज की मैं बात मैं उस चीज की बात कर रहा हूँ, ना कि मैं लुक की बात कर रहा हूँ। ये सब मैटर नहीं करता, मैटर क्या करता है, मैटर सारी चीजें करती है। देख पहले तू नशा करता था, आज तूने छोड़ दिया। अगर मैं आज तेरे पास आती हूँ तो फिर तो वो गलत हो जाएगा ना कि मैं कल तू नशा करता था तो मैं तब तेरे पास नहीं आई। वो तो वही तो रीजन था, इसलिए तू मेरे पास नहीं आई। तो यार कुछ कमी भी तो थी ना तुझमें, तू खुद जानता है। मैं तुझे रियलाइज नहीं कराना चाहती क्योंकि वी जस्ट फ्रेंड्स यार, बट इट्स वेरी हर्ट इट। ओके मैं नहीं तुझे रियलाइज कराना चाहती कि तूने गलती की। रियलाइज मतलब क्या, मतलब नहीं क्या, मतलब क्या कमी क्या मेरे अंदर? देख तेरे अंदर बहुत कमियां हैं जो कि मैं तुझे नहीं बता सकती, तू खुद जानता है। अच्छा चल ठीक है, चल मान तू मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती या मेरे लाइफ में नहीं आ सकती, बट तू मेरी दोस्त थी ना। हाँ। तो एक दोस्त का ये फर्ज नहीं बनता कि उसकी कमियों के बारे में बताए जिससे कि मैं उसे सुधारूं। अब बता दे तू, मैं अभी भी सुधार लूंगा। अब फायदा क्या होगा सुधारने से, तू कहीं और अपनी गर्लफ्रेंड यार हम एक साथ रहेंगे, एक साथ तू मेरी कमी बता, मैं तेरे में तो कोई कमी है ही नहीं यार, मतलब हम खुश रहेंगे यार, देख मेरी बात मान ले। हाँ हम खुश रहेंगे, हम फ्रेंड्स भी रह सकते हैं, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख जो तू सोच रहा है कि मैं मतलब तेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करूं, मैं तुझे उस नज़र से नहीं देख पाऊंगा कभी। किस नज़र से? वो यार मेरे अंदर तेरे लिए कुछ और फीलिंग्स हैं यार। बट मेरे अंदर तो नहीं है ना, तो बना ना, क्योंकि मैं क्या कर सकता हूँ। देख मैंने मैं क्या मैं जो बताएगी वो कर, मैं जबरदस्ती तो नहीं अपनी फीलिंग्स को क्रिएट कर सकती, नहीं कर सकती ना। मैं भी नहीं बदल सकता ना, तो तुझे बदलनी पड़ेगी क्योंकि मेरी फीलिंग्स नहीं है तेरे अकॉर्डिंग। तो सेम मैं भी तो कह सकता हूँ कि तू भी बदलना। तो ऐसा मैं बदलना ना तेरे लिए, देख क्यों बदला मैं, तू मेरे लिए बदला तो रिजेक्ट किया था ना। तो मैंने रिजेक्ट किया था तो इसका मतलब ये नहीं कि तू, मैंने तुझको ये बोला था कि तू सुधर किया या तू ये नशा छोड़ किया, मैंने ये भी नहीं बोला था तुझसे। तो मतलब मैं नशा करते रहता क्या? अच्छी बात है तू आज सुधर गया है, तो ऐसा नहीं है कि क्या अच्छी बात है, ये कॉम्प्लीमेंट का क्या फायदा जब मेरे साथ तू नहीं है? ऐसा कुछ नहीं, देख तूने अपने आप को चेंज किया, तूने अपनी लाइफ बदली। अच्छे अच्छी क्या करता है, जॉब करते क्या? जॉब है मल्टीनेशनल कंपनी। वाओ नाइस, तो इससे अच्छा क्या है, इससे बेटर क्या है कि तूने खुद को सुधार लिया, एक लाइफ में अच्छा एक रास्ते पर है तू, तो इससे प्रॉब्लम क्या है? मैंने तो उसे मिल ली क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। छोटी लगती है कि मैं जॉब कर रहा हूँ, ये मल्टीनेशनल कंपनी का अब मायने भी नहीं रख रहा है क्योंकि तू ही मना कर रही मेरे को। अच्छा चल छोड़, हम लोग फ्रेंड्स हैं, फ्रेंडशिप विद बेनिफिट कर सकते ना। क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? फ्रेंडशिप विद बेनिफिट, इसका मतलब जानता है तू? यही तो है तेरी आदतें जो पसंद नहीं है। फ्रेंड्स विद बेनिफिट का मीनिंग क्या होता है तू ये जानता है? क्या होता है, क्या होता है जो तूने बोला है मुझे, तू तो खुद भी जानता होगा। तू अनपढ़ नहीं है, मैं भी अनपढ़ नहीं हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ, तू भी बच्चा नहीं है, तो भड़क क्यों रही है? मैं कुछ गलत थोड़ी इसमें, क्या तू मेरे साथ वैसे नहीं आ सकती, ऐसे आ जा, कैसे तो आ जा मेरे पास, तो आ मेरे साथ तो रहे। कैसे भी आ जाऊँ, मतलब मैं तेरे साथ आ जाऊँ, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। देख आजकल देख कुछ सही गलत नहीं होता, ये दुनिया आजकल ऐसी हो चुकी है, और प्यार में कुछ सही कुछ गलत, ये प्यार नहीं है। अगर प्यार होता तो तू मुझे हासिल करने की कोशिश करता। आई नो कि तू कर रहा है, बट ये तरीका तूने एकदम से डायरेक्टली मुझे आके बोल दिया फ्रेंड्स विद बेनिफिट, तो इट्स नॉट गुड। ओके देख मेरे मुझे कुछ और समझ नहीं आ रहा, ठीक है मैं बस यही कह सकता हूँ, मैं या तो तू ऐसे या वैसे कैसे भी आए बस तेरे पास आऊँ। हाँ जो कि मुमकिन नहीं है। तो फिर क्या क्या करना, क्या कुछ नहीं करना, और अब हम फ्रेंड्स भी नहीं रहेंगे। मैंने सब कुछ भूल के सब खत्म कर रही ना, सब एक काम कर, एक बार के लिए आ जा, तमीज में बात कर। क्या तमीज में बात कर, तू अपने आप को समझती क्या है ये बता दे मेरे को। मैं कुछ नहीं समझ, अरे मैं अब देख मैं कहां हूं, मैं क्या क्या नहीं है मेरे पास, क्या है तेरे क्या पास, है तेरे पास एक अच्छा दिमाग नहीं है, अच्छी सोच नहीं है, वही है तू जो आज पहले था। कपड़े पहनने से सोच नहीं बदल दी जाती है, तूने कपड़े पहन लिए, जॉब लग गई तेरी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू तेरी सोच बदल गई, तू अच्छा इंसान बन गया। देख भाषण मत दे मेरे को, ठीक है भाषण, मैं आया था किसी काम के लिए, देख मैंने क्या नहीं किया तेरे लिए, और तू क्या है कि क्या किया तूने मेरे लिए, किया क्या तूने मेरे लिए, बस ये अच्छे कपड़े पहने, वो नशा छोड़ दिया। अच्छे कपड़े क्या होता है यार, है पैसे तो पहनता हूँ कपड़े। हाँ तो फिर पहन ना, फिर मेरे को क्यों दिखाने आया है? तो किया ना मैंने इतना कुछ, सब कुछ चेंज करके, ये तेरे तूने बोला था ना क्यों नहीं पसंद हूँ मैं इसलिए नहीं पसंद हूँ, ले ये हो गया मैं तो नहीं पसंद, तू आज भी नहीं पसंद। क्यों नहीं हूँ मैं, शायद मुझे तू अभी पसंद आ भी जाता
बट वो तेरी फ्रेंड्स इज बेनिफिट वो सारा खत्म कर गई। मैं मेरे पास कुछ तू मना ही करते जा रही है, मैं क्या करूं? कुछ तो मान। मैं हमेशा मना करती रहूंगी और मेरे से कांटेक्ट करियो ही मत ही अब तू दोबारा। ना मुझे तेरे से बात करनी, ना मुझे तेरे से मिलना। आप अच्छे फ्रेंड्स रह सकते थे, हम अच्छी बात कर सकते थे एक दूसरे से, लेकिन तूने सब बिगाड़ दिया। मैं इतना इम्प्रेस हुई तेरे से कि तू क्या हो गया, क्या था तू? लेकिन फिर वही, तू तो पहले भी अच्छा था आई थिंक, अब तो तू और भी बेकार हो गया। इससे तो तू पहले ही था। बोल, चल अब सारी बातें छोड़। नहीं तू बोल ना, तेरे को क्या? तू बस बता एक बार का कितना लेगी? तमीज में बात कर रुद्र, तमीज में। तमीज में ही बात कर रहा हूँ, बहुत तमीज से बात कर रहा था। बात कर, देखिए तू बोल, चार्ज बोल अपना। तमीज में, तमीज में, ज्यादा नहीं मेरे से। देख फ्रेंड है इसलिए इज्जत कर रही हूँ थोड़ी सी। देख पब्लिक है इधर, हाँ तो इसीलिए मैं प्यार से बात कर रही हूँ, तो प्यार से बात कर ले, वरना ना। अरे तू जानता नहीं है मुझे, मेरे को देख, उस टाइप की लड़की नहीं हूँ मैं, तो खुद भी जानता है। तू चल मेरे साथ। कहाँ चल? अरे देख ये पब्लिक प्लेस है, बदतमीजी मत कर, समझ में आ रही है? बात समझने की कोशिश कर, बात समझने की कोशिश कर, मेरे साथ बदतमीजी कोशिश मत करियो दोबारा करने की, समझ में आ रही है? बोल रहा हूँ, ऑफर है, बहुत पैसे है मेरे पास। अपना पैसा तो अपने पास रख, मुझे तेरे पैसे की जरूरत नहीं है और इस तरह से बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और कभी जिंदगी में भी अगर जरूरत पड़ी ना तो तुझे याद नहीं करूंगी, तेरा पैसा किसी काम का नहीं है। एक रात के लिए चल, शर्म आ रही है थोड़ी सी? फ्रेंड हूँ मैं तेरी, रहने दे तू, ठीक है? अच्छा सुन, अच्छी बात थी कि मतलब सोचा मैंने कि ठीक है। मेरी बात सुन, हाथ मत लगा। अरे मेरी बात तो सुन, हाथ मत लगा। अरे यार क्यों, एक मिनट इधर, तू मेरे को बोल। क्या बोलूं, क्या बोलूं? पैसे से क्या नहीं होता, तू मेरी बात तो सुन। क्या चाहिए तुझे पैसे से? क्या? अरे पैसे से क्या नहीं हो सकता? क्या हो सकता है पैसे से? वही तो बोल रहा हूँ, चलना मेरे साथ, ठीक है? पूरी जिंदगी ठीक है, नहीं रह जाना मेरा, एक बार के लिए आ जा। दोबारा बात मत कर लियो मुझसे, ठीक है? दोबारा कोशिश मत कर लियो बात करने की। अरे अरे तू सुन तो, सुन तो बोल। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, दिमाग लगा। क्या क्या? अरे किसको क्या पता लगने वाला है, मैं चांटा लगा दूंगी। देख बदतमीजी, मैं चांटा लगा दूंगी अगर ज्यादा फालतू बोला मेरे से तो। अभी यहाँ हल्ला मचा देना तो सारे तेरे पे ही चढ़ जाएंगे, इसीलिए मैं बोलूं अल्लाह तेरे को मचाना आता है। हाँ ठीक है, लेडीज है तो क्या, क्या ये सब बदतमीजी भी कर रहा है तू? क्या बदतमीजी, दोस्त है हम, दोस्त है हम, ऐसे दोस्त से बात नहीं की जाती है। सब तरीके की बातें होती दोस्ती में, सब तरीके की बातें होती है दोस्ती में। दोबारा बात मत कर लियो मुझसे, समझ में आ रही है? एक मिनट, ये तेरी गाड़ी है? नहीं तेरी है। देख ठीक है, गाड़ी है तेरी ना, इतनी औकात भी नहीं है, ठीक है? ज्यादा वो मत बन, और तेरी इतनी औकात भी नहीं, तेरी तो औकात वो है कि तेरे मुंह पे पैसा मांगू मारू। ज्यादा फालतू नहीं मेरे से क्या? बात कैसे उड़ा रही तू? मुंह पे पैसा मारेगा तू मेरे? तो और क्या, ये क्या औकात है? इससे अच्छी गाड़ी है मेरे पास, तो मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? अच्छी आदत तो नहीं है ना, अच्छी बात लड़की से बात करने की वो तो नहीं है, सेंस तो नहीं है ना, बड़ी गाड़ी होने से क्या होता है? तो छोड़ूंगा नहीं मैं वैसे, ठीक है? जैसे मैंने तो तुझे पकड़ के रख रखा है ना,